इसमें रही असलम व्यवर्स आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल मूँ आपका मेज़बान जहाँजेब जमशेद प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह बाबर के बाबरकत नाम से बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूर्स को हेलो और रिस्पेक्ट एक बार फिर से हम असद बुरे साहब के कैनल में आए हैं यहाँ पर देखेंगे कि आज कौन कौन से डॉग इन्होंने मंगवाए हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे आज इसद बुरे साहब ने ख़ास हमें इन्वाट किया है यहाँ पर देखते हैं कौन सी दिलचस्प ब्रीड यहाँ पर मौजूद है आपके साथ शेयर करते हैं आइए सबसे पहले इसद बुरे साहब से बात करते हैं वालेकुम वाले सलाम कैसे जनाब खरीत से हैं जी अल्लाह का करम है आज आपने हमें इनवाइट किया है ये बताएं कि आज हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी नई ब्रीड दिखाने जा रहे हैं आज मैं आपको जर्मन शेफर्ड दिखाऊंगा और साइबेरियन हस्की और एक नया ब्रीड आई हुई है गोल्डन रिट्रीवर और पिटबुल लेबराडोर के बेबी हैं वो दिखाऊँगा शिडजू हैं वो दिखाऊँगा आज चले इसके अलावा ये बताएँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल डॉग्स की डॉग्स के हवाले से डोग के हवाले से वही चल रहा है बस ब्रीडिंग ट्रेनिंग इसी तरह लाइफ गुजर रही है अच्छा हाँ भाई ये बताएं कि पपीज़ से मुतलिक आप कुछ बताएंगे किस किस डॉग के आपके पास अभी पपल पपीज़ अवेलेबल हैं देखें पपीज़ जो भी रेडी हैं जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट के पपी रेडी हैं मेरे पास और लेब्राडोर के ब्लैक कलर के भी पपी हैं और फोन कलर के भी हैं और पिटबुल के पपी हैं ये ब्रीड्स अभी मिल जाएंगी व्यूअर्स को चले पहले ब्रीड देखते हैं उसके बाद फिर लास्ट में पपीस के प्राइजेस मेंशन कर देंगे साइज़ के हिसाब से रेंज के हिसाब से सा। जी बिल्कुल ऐसा ही है चलें चलें पपीस पर नजर सबसे पहले डॉग पर नज़र डालते हैं ठीक है ओके जी इस वक्त कौन सी नस्ल दिखा रहे हैं डॉग के जी ये इस वक्त मेरे पास जर्मन छपट है स्टॉक कोर्ट में ये तकरीबन आठ महीने का मेल पपी है और पेडिग्रीड है क्वालिटी आपके सामने अच्छा पैटीगरी है जी तो ये बताएँ कि इसकी प्राइस क्या है ये एक लाख बीस हज़ार रुपये का है आठ महीने का है और अभी तकरीबन बारह महीने के बाद किसी भी टाइम से हम ब्रीड ले सकते हैं अच्छा इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा वजात करें वीवर्स के साथ देखें क्वालिटी स्लोप में और स्ट्रोक कोट है हेड इसका जो है स्ट्रॉन्ग है एयर देखें एयर बिल्कुल एयर में गेप कम है मजल ब्लैक है ब्लैक मास्क का है और कलर कलर डार्क है ठीक है एक लाख बीस हज़ार रुपये इसकी डिमांड है जी मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा राउंड लगा कर को जी असद भाई अब क्या दिखा रहे हैं अब मैं आपको डेल मिशन दिखाता हूँ ठीक है नज़र डालता हूँ जी असद भाई तो अब ये डेल मिशन आपके पास जी ये डेल मिशन है ओड आइज में ये मेल पति है तकरीबन ये भी सात से आठ महीने का है इसके जो दूसरे भाई थे मेरे पास वो मैंने सेल कर दिए हैं तो अब ये एक ओडाइस का रहता है मेरे पास अच्छा ये और डाइज में कि की तरफ ये बताएं साहब के इसकी डिमांड क्या है देखें इसके जो मैंने दोनों भाई सेल किए हैं वो पचहत्तर पचहत्तर हजार में सेल किए हैं तो अभी मेरे पास मेल नहीं है तो सोच रहा हूँ कि ये रोक के इससे ब्रीड ले लूँ तो इसके जो बेबी होंगे तो बेबीज़ के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप सेल करने का इरादा नहीं है देखें ये रेयर ब्रीड है मिलते मुश्किल से अगर यह कोई पेयर लेगा तो मैं उसको पेयर दे दूंगा क्योंकि फीमेल भी है मेरे पास लेकिन अगर एक लेता है तो फिर मेरे पास ब्रीडिंग में मुझे प्रॉब्लम होगी ना ब्रीड करवाने में तो तभी सोच रहा हूँ कि ये रोक लूँ अगर कोई पेयर मांगेगा तो दे दूँगा उसको पेयर अच्छा ये बताइए पेटिगरी डॉग है नहीं ये नॉन पेटिगरी है क्वालिटी पेटिगरी वाली है अच्छे हैं लेकिन नॉन पेडिगरी है अच्छा मैं चाहूँगा इसको भी एक राउंड ला दिखा दें ताकि इसकी ब्यूटी नजर आ जाए अच्छा सतपुर साहब ये बताएं कि डॉग का क्या एक्टिविटियाँ मतलब इसको खास कर किस वजह से पाला जाता है ये देखें ज़्यादातर जो पसंद किया जाता है इसके पसंद किए जाने की वजह इसकी स्किन है ये वाइट स्किन पे जो ब्लैक स्पॉट है इसको ऐसे खूबसूरत लगता है दूसरा ये शिकार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हंटिंग डक्स का शिकार करते हैं किसी चीज़ का तो ये साइज़ के छोटे डॉग्स होते हैं गाड़ी वगैरह में आराम से कैरी किए जाते हैं पेयर भी आराम से जो है ना न लेकर जाता है लेकर जा सकता है बंदा तो ये हंटिंग वगैरह में यूज होते हैं और खूबसूरती के आस रखे जाते हैं क्योंकि छोटे से हैं बहुत ज्यादा इसमें ग्रेडे न आते हैं बड़े साइज़ के होते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते फास्ट नहीं होते तो लोग ज़्यादातर इनको इसीलिए तरजीह देते हैं अच्छा इसका ये मैक्सिमम साइज़ है साँ ये बस नॉर्मल इसका मैक्सिमम साइज है ठीक है अब नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखाएंगे गोल्डन रेटीवर दिखा देता हूँ उसके बाद चलें नजर डालते हैं जी असद बुरे साहब ये हैं गोल्डन रिटीवर जी ये गोल्डन रेटीवर का पेयर है ये वाली फीमेल है जो मेरे राइट हैंड में और ये मेल है अच्छा जी जी तो क्वालिटी डिफाइन करें के साथ देखें क्वालिटी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ये नज़र आ रही है पेडी है ये अच्छा हाँ और तकरीबन तीन साढ़े तीन साल का ये पेयर है ब्रीडर पेयर है तो ये मेरे पास अभी आया है ब्रीडिंग के लिए मैंने मंगाया है तो ब्रीड करवाऊँगा और अगर किसी को चाहिए होगा तो सेल भी कर दूँगा अच्छा ये बताएँ प्राइस क्या ये है ये पाँच लाख रुपये का पेयर है पाँच लाख का पेयर है जी अच्छा ये बताएं कि पेयर की इस वक्त एज कितनी है ये तकरीबन तीन साढ़े तीन साल के करीब है तीन साढ़े तीन साल में अच्छा मैं चाहूँगा कि इनको भी थोड़ी सी वॉक करा के दिखा दें जी अच्छा ये भी बताइएगा स्पेशलिटी क्या है देखिए गोल्डन रिटीवर एक ब्रीड है जिसपे हेयर होते हैं लेप की तरह दिखते हैं लेकिन इन पे बेर आउट हेयर्स होते हैं इन पर और साइज थोड़ा उनसे ज़्यादा बड़ा होता है बाकी ये एक अलग ही ब्रीड है ये खूबसूरत होते हैं इंटेलिजेंस होते हैं इनको ट्रेन करते हैं लोग फैमिली में रखते हैं फैमिली में रखने के लिए होते हैं ये खूबसूरत होते हैं खूबसूरती कैसे लोग पसंद करते हैं वैसे ब्यूटी डॉग हैं ब्यूटी डॉग हैं बस ठीक है इसके अलावा कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं अब इसके बाद मैं आपको हस्की दिखाता हूँ जी असद गुरेश साहब ये हस्की का पेयर है जी ये हस्की का पेयर है वो मेल है वो स्टड के लिए मैंने रखा हुआ है स्टड वगैरह मेटिंग ब्रीडिंग करवाता हूँ जंबो साइज का मेल है उस उस मेल से और ये ये दूसरा जंबो साइज का मेल है दोनों लॉन्ग ये मेल लॉन्ग कोट का है और ये फीमेल स्टोक कोट की है फीमेल मैंने किसी दोस्त को सेल की हुई है अब मेट करवाई है इस मेल से तो मेटिंग के बाद अब ये कंफर्म हो जाए तो ये मैं भिजवाऊंगा पिंडी उसके पास पिंडी से किसी ने खरीदी है तो कितने तक खरी की खरीदी ये मुझसे उसने खरीदी थी अस्सी हज़ार रुपये की फ़ीमेल और उसके बाद उसने जो रखवाया था मेरे पास उसके चार्जेस वगैरह अलग से मुझे पे किए थे स्टट के अलग दिए थे कि स्टर्ट करवा के भेजना अच्छा ये बताइएगा सर ब्रेस साहब ये पेयर जो है पैटिगरी है ये मेल पैटिगरी है अच्छा तो ये बताएं कि प्राइस कितनी है मेल की अगर कोई मेल परचेज करना चाहे तो मेल ये दो लाख रुपए का दो लाख रुपए का मेल है जी और अगर इसी क्वालिटी के अंदर कोई फीमेल भी चाहे कि पेयर इस ऐसा मिल जाए तो वो, वो अवेलेबल होने पर होता है ना कि एज क्या है किस तरह की चीज़ है फिर वही प्राइस देखो हस्के की प्राइस पचास से लेकर दो ढाई लाख तक चली जाती है तो वो क्वालिटी पेडिग्री लाइनें कौन कौन सी हैं उस तरह से होता है अच्छा क्वालिटी में भरपूर है जो भी आपने मेल दिखाया देखा नज़र आ रही है क्वालिटी लॉन्ग कोट का जम्बो साइज़ का कावी साइज़ का मे अच्छा ये बताएगा क्या ये अलास्कल मेले है नहीं ये साइबिन हस्की है अलास्क मेला नहीं है ये बड़े साइज़ का हस्की है अच्छा अलास्कन मेला भी तो होते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं वो इससे बड़े होते हैं ज़्यादा वो जम्बो साइज़ के होते हैं वो अलग चीज़ होती है अलग वो अलग ही नज़र आते हैं अलास्कन ये नहीं है ठीक है पैटेगिरी मेल है दो लाख रुपए डिमांड है जी दो लाख रुपए डिमांड है और ये फीमेल स्टॉक कोट की है और फीमेल नॉन पेटिगरी है फीमेल पेटिग्री इसके अंदर पड़ी हुई है मैंने उसको भी पेटिगरी बोल दिया है। फीमेल है अच्छा ये फीमेल है नॉन पेटिरी है पैटिगरी फीमेल भी आपके पास मौजूद है दिखा देता हूँ चलो नजर डाल दिखा देते हैं जी जी असद ब्रेसा भी हस्की की दूसरी फीमेल है जो पैटिगरी है जी ये पैटेगरी फीमेल है और ये लॉन्ग कोट की फीमेल है जैसे आपने मेल देखा उसी तरह का इसका फर ए कोट वग़ैरह बिल्कुल मेल के टक्कर का जो आपने देखा लेकिन इस वक्त इसने कोट शेड किया हुआ है और साइज मेल से कम है इसका अच्छा ये वैसे मैक्सिमम साइज में अपने और मजीद साइज इसका इंक्रीज होगा नहीं नहीं ये ब्रीडर फीमेल है दोबारा ये सीजन पे अभी इसको मेट करवाऊंगा एक दो दिन में इसी मेल से तो इसका साइज यही रहेगा इससे बड़ा नहीं होगा साइज़ अच्छा ये बताएं क्या ये फॉर सेल है बिल्कुल ये सारे डोग मेरे फॉर सेल होते हैं अब ब्रीड में करवा रहा हूँ ब्रीड लेंगे तो मैंने ब्रिड देखें मैं आपको मैंने भी आपको बताया कि वो फीमेल मैंने मेट करवा के दी है ठीक है अगर किसी को चाहिए होती तो मैं मेटेड भी दे देता दे हूँ अगर मैं मेट करवाऊंगा तो मेटिंग के बाद वो अलग पैसे होंगे स्टड के अगर प्रेगनेट हो जाती है कन्फर्म हो जाती है फोटी फाइव डेज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ उसकी अलग प्राइस होगी और अभी इसकी अलग प्राइस है अच्छा तो उसकी प्राइस मैंशन करें ये इस वक्त डेढ़ लाख रुपये की फ़ीमेल है ब्रीडर फ़ीमेल है और पेडी है तो लॉन्ग कोट की है इस वक्त कोट शेड किया हुआ है ये कोट में नहीं है अपने लुक में नहीं है इस कंडीशन में लोग शो में भी नहीं लेके जाते और शो करते भी नहीं है दिखाते भी नहीं है जब ये अपने लुक में होते हैं तब शो किए जाते हैं डॉग्स तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि अगर कोट शेड होता है तो कैसी कंडीशन होती है डॉग की अच्छा यानी इसके भी दोबारा हेयर जब ग्रो करेंगे तो फिर वैसे ही सेम मेल की तरह देखेंगे सिर्फ साइज़ कम होगा इसका ठीक है आप क्या दिखा रहे हैं को अब इसके बाद मैं आपको पिटबुल दिखाता हूँ चले नज़र डाल जी असद ब्रोश साहब ये पिटबुल दिखा रहे थे आप व्यूवर्स को जी ये पिटबुल की फीमेल है और ब्रीड के लिए रखी हुई है ब्रिड करवा रहा हूँ इस वक्त ये मेटेड है और उसको तकरीबन थर्टी फाइव डेज हो गए हैं और कंफर्म भी है प्रेग्नेंट है तो मेरे पास मेल है एक मैं मेल भी दिखाता हूँ उसी से इसको मेट करवाया है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि ये बेबीज़ हैं इसके अच्छा असद ब्रोश साहब ये बताएँ कि पिटबुल ये क्वालिटी में कैसा है अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल है अब इसमें पिटबुल में बहुत सारी क्वालिटी आती है ये ज़्यादातर आ, फाइटिंग में इस्तेमाल होते हैं ये पेट अच्छा पेटीगिरी है नहीं ये नॉन पेटीगिरी है ठीक है ये बताएं कि प्राइस कितनी है इसकी ये वैसे तो देखें मुझे गिफ्ट मिला हुआ है ठीक है तो मैं इसकी प्राइस क्या बोलूँ और सेल तो करनी नहीं है ये क्योंकि गिफ्ट है किसी का एक ये और एक मेल ये पेयर मुझे दोस्त ने किसी ने गिफ्ट दिया था ठीक है मेल भी दिखा दें व्यूवर्स को जी मैं दिखाता हूँ मेल भी जी असद साहब ये मेल है जिसकी आप बात कर रहे थे पिटबुल का जी जी ये मेल है इसी से मैंने मेड करवाया ये मेल जब मेरे पास आया था तो ये टिक फीवर में था और काफ़ी वीक था उसके बाद फिर टिक फीवर से इसको निकाला, उसको निकाला उसके बाद डिबम वगैरह किया है इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है लेकिन अभी तक उस तरह इसने हेल्थ नहीं पकड़ी जैसी पकड़नी चाहिए बाकी ये ए, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेटबुल जिस फ्रेंड ने मुझे दिया था उसने बताया था कि हमने ये इम्पोर्ट करवाया था इसकी पेडिग्री भी एके की है उनके पास है पेडिग्री तो पेडिग्री मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे वैसे ही उन्होंने दिया था तो मैंने कहा चलो इसकी केयर करते हैं इसको सेट करते हैं यानी वैसे ये पैटिगरी डॉग है जी तो ये बताएं कि डिमांड क्या इसकी डिमांड तो देखें वही है ना कि उन्होंने इम्पोर्ट करवाया था तो ये बहुत महंगा ही पड़ा होगा क्योंकि बाहर से डॉग्स बहुत महंगे बढ़ते हैं उन्होंने मुझे वैसे ही दिया था तो प्राइस उन्होंने भी नहीं बताई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इस वक्त अगर नॉन पेटिगरी भी है तो ये साठ सत्तर हज़ार का तो होना चाहिए ठीक है लेकिन वो कहते हैं कि गिफ्ट का जो है ना कि रेट नहीं लगाया जाता प्राइस नहीं लगाई जाती अगर कोई दिल से दे तो लेकिन आपका सेल करने का इरादा नहीं है इसको। जी सेल करने का इरादा नहीं है क्योंकि किसी का दिया हुआ है अगर वो शख्स जिसने दिया है वो वापस लेकर जाएगा तो उसको मैं दे दूंगा बाकी वैसे सेल का नहीं है ब्रीड के लिए रखा ठीक है आपका दिखा को अब इसके बाद में एक पिटबुल की और फीमेल दिखाता हूँ जी सब इस फीमेल के बारे में बताएं पिटबुल की ये ये भी पिटबुल की फीमेल है और ब्रीड के लिए रखी हुई एक ब्रीड ली है हमने और दूसरी ब्री डी मेल से लेंगे सीजन पे आने वाली है और अगर किसी को चाहिए होगी तो सेल भी कर देंगे ठीक है क्वालिटी बताएं इसकी क्वालिटी जैसी मैंने वो फीमेल दिखाई वैसी ये फ़ीमेल है पिटबुल है और ये भी फ़ाइट वग़ैरह में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी देखें हेयर्स हैं और वैसे एलिगेटर फेज में जो पिटबुल होते हैं वो फ़ाइट में इस्तेमाल होते हैं ये भी फ़ाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं पिटबुल्स ठीक है डिमांड क्या इसकी ये फोर्टी फाइव थाउजेंड की दे दूँगा अच्छा जी असद साहब इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं ये बुलटेर की फ़ीमेल है इससे मैंने ब्रीड भी दो मरतबा ली है और ये भी फाइटर लाइन की है ठीक है इसको बुलटेर से भी हम इसकी ब्रीड ले सकते हैं और देसी बोली से भी ले सकते हैं दोनों से ये अच्छे फ़ाइटर डोस बनते हैं अच्छा तो ये फाइटर ब्लड लाइन के डॉग हैं। जी ये बिल्कुल फाइटर है। ठीक है ठीक तो ये, है क्या, ये सेल है? जी बिल्कुल तो सेल भी कर दूंगा की तो दे था रुपये तो ये बताएं आपने कितनी दफ़ा ब्रिड ली इससे दो मरतबा लिया है दो मरतबा ब्रीड लिया जी ठीक है कौन सा टॉक दिखाएंगे अब इसके बाद में आपको एक जर्मन शेफर दिखाता हूँ जी जर्मन शेफ्ट जी ये जर्मन शेपर्ट है नॉन पैटिगरीड है स्टॉक कोर्ट में हेड साइज़ वगैरह जबरदस्त है इसका साइज़ भी अच्छा साइज़ है सिक्योरिटी के लिए गार्डनिंग के लिए बेस्ट है ये ठीक है, वर्किंग लाइन का है तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसको और गार्डनिंग के लिए बेस्ट है अगर आप गार्डनिंग के लिए इसको रखते हैं अच्छा डॉग की एज कितनी है ये तकरीबन इस वक्त हो गया होगा बीस बाईस मंथ का तो होगा ये अच्छा पैटिगरी नॉन पैटीगरी ये नॉन पेटिगरी है ठीक है इसकी डिमांड कितनी है ये अस्सी हज़ार रुपये का दे दूंगा मैं एट्टी थाउजेंड का जी एटी थाउजेंड का दे दूँगा ठीक है इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ एक हस्की की फीमेल भी घूम रही है ये साइबर एंड हस्की की लॉन्ग कोट की फीमेल है ब्रीडर फीमेल है और इस वक्त ये कोट शेडिंग पर है देखें ये साइडों से आप अगर इसको देखेंगे ना तो साइडों से कोट शेड कर रही है ओड आइज है एक आइज इसकी ब्राउन है और एक ब्लू है ठीक है तो ये बताएं कि डिमांड क्या है इसकी ये नॉन पेटिगरी है और ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड की दे दूंगा नॉन पेटिगरी है सेवनटी फाइव में देंगे आप इसको अच्छा ये बताएं आपने इससे ब्रीड लिया या फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगी ब्रीड लिया है मैंने ब्रीड, 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 ब्रीड लिया तो व्यूवर्स ये ब्रीड मौजूद थी इसद ब्रोई साहब के कैनल पे अब इनसे क्वांटिटी मालूम करते हैं जी इसद है ब्रोई साहब ये बताएं कि आपके पास जर्मन शेपट की कितनी क्वांटिटी है और हस्की के आपके पास कितनी डॉग्स मौजूद हैं देखें हस्की के मेरे पास चार से पाँच हैं और जर्मन शेफर्ड ये दो मेल हैं इस वक्त जो फोर सेल है मेरे पास एक पेडी है एक नॉन पेडी है और इसके अलावा जर्मन शेफर्ड के पपी मिल जाएंगे लॉन्ग कोट में लेब्राडोर के पपी मिल जाएंगे ब्लैक कलर में भी फ़ोन कलर में भी और पिटबुल के पपी हैं ठीक है थीके, मैं चाहूँगा कि आप बता दें व्यूअर्स को इनकी एज के साथ साथ और इनकी प्राइस बता दें पिटबुल के जर्मन शेफर्ड के और हस्की के पपीज़ देखें पिटबुल का पपी फोटी का मिल जाएगा और जर्मन शेफर्ड का पपी सेवेंटी का है और लेब्राडोर के पपी फोर्टी थाउजेंड का एक पपी है ब्लैक ले लिया फ़ोन ले अच्छी क्वालिटी के पपी हैं सारे अच्छा अगर कोई हमारा व्यूअर पेयर लेते तो पेयर में कुछ देखिए पेयर में भी यही रेट पड़ेगा गुंजाइश तो मैं करके ही बता रहा हूँ आपको जी अच्छा सिंगल के आप कितने हैं फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड जी तो यानी एटी थाउजेंड का पेयर एटी थाउजेंड का पेयर हो जाएगा ठीक है सर ब्रोई साहब अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें व्यवर्स के साथ जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जीरो थ्री हंड्रेड नाइन टू सेवन थ्री एट डबल फाइव और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप पर भी है इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स को गाइड करते रहिएगा ठीक है डॉक्टर वो तो मैं हर तरह की गाइडलाइन देता हूँ व्यवर्स को जो लेते हैं गाइडलाइन मैं उनको देता हूँ अपने हिसाब से जो मुझे समझ आती है चीज़ चलो ठीक है बहुत शुक्रिया जजाक ओके जी तो व्यवर्स ये था असद बुरी साहब के चैनल का विजिट उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देख के आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैलन का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियो आप लोग तक पहले पहुँच जाए इन फिर दोबारा एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफि